हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। तो दोस्तों, आज जो है उत्तराखंड में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी है। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने जो है काफ़ी ज़्यादा टीचरों की जो है प्रमोशन की बात कही है। तो यहाँ किसको जो है चयन होना है और किसको पदोन्नति मिलते हैं, जानते हैं हम आगे वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे टेलीग्राम में भी जो है फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है जहाँ पे गढ़वाल मंडल के 118 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रमोशन की बात कही गई है और इन सभी को जो है दुर्गम क्षेत्र में के कार्यालय में जो है वो भेजा जाएगा। तो इसी के साथ ही जो है जो हेडमास्टर के जो पद काफी लंबे समय से जो खाली पड़े थे उनमें भी प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू होने वाली है। तो उसके लिए जो है अरविंद पांडे जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उन्होंने एक निर्देश जो है जारी कर दिया गया है निदेशालय को, जहाँ पे 670 पदों में जो प्रमोशन है जो प्रस्तावित है उनको भरने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है जो एडॉप्ट टीचर हैं वो जो एडॉप्ट टीचर्स हैं, अगर वो इसके खिलाफ जो है इनके जो सीनेटी मामला है, जो सीधी भर्ती के शिक्षक हैं उनके सीनेटी मामले के खिलाफ अगर कोई हाई कोर्ट में अगर दायर करते हैं, कोई याचिका अगर वो दायर करते हैं, तो इस पे जो है अगर सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले जो सीधी भर्ती के टीचर हैं उनकी भी वो बात सुनने का उन्हें मौका दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो ये विवाद था जो पिछले 4 सालों से जो चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। तो काफ़ी संख्या में टीचरों को अब जो है प्रमोशन जो है मिलेगा और इससे जो है नई नई और जो है रिक्तियां जो खाली होंगी, जो पद खाली होंगे वो भी अब भरे जाएंगे। तो वहीं जो है हमारे जो शिक्षा सचिव है उत्तराखंड सरकार में, उन्होंने 13 जुलाई को जो है एक आदेश भी जारी किया था कि जहाँ पे एडॉप्ट टीचर की जो नियुक्ति है उनको सीनेटी का पद नहीं मिलेगा। जब से उनकी नियुक्ति थी, जिस दिन से उन्हें नियुक्त किया गया है तब से उन्हें केवल रिटायरमेंट और पेंशन का लाभ ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आई थी आज आज के अखबारों में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।